So today we'll try to see exercise 2A and we have exercise 2A हम लोग देखेंगे और उसमें जो questions हैं उन सभी questions को भी one by one देखते हैं. So if I'm asking, tell me question number 8 अगर हम पूछें क्या है तो question number 8 में हमें क्या करना है. क्वेश्चन नंबर 8 राइट फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल टू ईच अदर और नॉट. तो हमें बताना है ये रेशनल नंबर्स इक्वल हैं या नहीं है. ठीक है, तो कैसे हम लोग देखेंगे इक्वल है या नहीं उसके लिए हम लोग कैसे देखेंगे. फर्स्ट रेशनल नंबर इज -5/15 एंड सेकंड इज 12/-36. जब भी हम लोग को इक्वल देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. Who will tell me? हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे जो भी डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल कर लें या फिर इसमें हम देख लें इसको रिड्यूस कर दें सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं. ठीक है, तो देखिए हम लोग स्मॉलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करें तो कैसे रिड्यूस करते हैं देखते हैं कॉमन फैक्टर कुछ मिल रहे हैं या नहीं. न्यूमरेटर मींस फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट रेशन नंबर ले रहे हैं तो दिस इज -5/15. न्यूमरेटर में है -5, डिनोमिनेटर में है 15. तो न्यूमरेटर फर्स्ट वी फाइंड इज देयर एनी कॉमन फैक्टर इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. सो वी सी दैट यस सर -5/15 तो यहाँ पे 5 है और यहाँ 15 है. 15 में कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर 5 है. सो हम उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं 5 × 5, 5 × 3 = 15. तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी -1/3. ये माइनस में था तो हमें मिलेगा -1/3. इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगी -1/3. तो ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में इसको हमने रिड्यूस कर दिया. अब देखिए सेकेंड रैशनल नंबर, इसमें भी कुछ ऐसा है कॉमन फैक्टर. यहाँ पे 12 है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में -36 है. हम इसमें देख रहे हैं 12 कॉमन फैक्टर है नीचे डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 12 है कॉमन फैक्टर. हम क्या करें 1/-3 है. इस माइनस थ्री को इस माइनस को हम ऊपर लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है -1/3 और यहाँ पे कितना आ रहा था, ये भी -1/3 आ रहा था. यस सर. व्हेन वी कंपेयर दीज टू नंबर्स वी सी दैट दीज टू नंबर्स आर इक्वल, -1/3 इक्वल टू -1/3. So we can say that इस तरीके से हम कह सकते हैं कि -5/15 इक्वल टू 12/-36. कैन वी राइट इट, हम इसको लिख सकते हैं. यस सर. ठीक है. यस सर. हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं इक्वल टू फाइंड करने के लिए. सिमिलरली जो सेकेंड पार्ट वो भी हम लोग ऐसे इक्वल टू देख सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9, रिड्यूस द फॉलोइंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म. हमें रिड्यूस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 9 में. सो कैन वी सॉल्व दिस, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. ओके यस सर. ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कौन से कॉमन फैक्टर हैं, कॉमन फैक्टर से हम लोग डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे. Question number 10. What we have to see here, which of the following pairs consist to 50-valent rational numbers? इसमें हमें क्या देखना है? Equivalent rational numbers. क्या देखना है? Yes sir. Equivalent rational number.
हमने बताया था इक्विवेलेंट रेशन नंबर क्या होता है। सपोज तो हमारे पास माइनस थ्री अपॉन क्वेश्चन नंबर 10 हमें फाइंड करना था ये इक्विवेलेंट रेशन नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो हमने बताया था कि इक्विवेलेंट रेशन नंबर क्या होते हैं। सपोज वी हैव माइनस थ्री अपॉन फाइव, इसमें हम क्या करें, इसमें अगर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इफ वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 2 से अगर ऐसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, हम क्या कर रहे हैं न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, व्हाट वी गेट -3 × 2 विल गेट -6 एंड इन डिनोमिनेटर में भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू 2 क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 व्हाट वी गेट 5 × 10 सो -6/10। अब जो हमारे पास है -6/10 ये रेशन नंबर आया है, This is equivalent to -3/5। ठीक है, ये हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो जाएगा -3/5 के। तो सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है, ऐसे ही हम लोग 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। न्यूमरेटर में हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सपोज आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाई 3, हम अभी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, सो दैट मीन्स -3 × 3 कितनी वैल्यू आएगी, 3 × 3 = 9 और ये माइनस में है तो -9। ओके, डिनोमिनेटर में अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर में भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 × 3 में 5 × 3 = 15 कितना आ गया 15। सो अब यहाँ पे -9/15 हमारा जो ये नंबर बना है ये फॉर्म हुआ है, दिस इज आवर रैशनल नंबर। This rational number is the equivalent to -3/5. This is equivalent to -3/5. Okay? So, उम्मीद करते हैं आप लोग को equivalent rational number ये समझ में आ गया। So, तो इसी तरीके से हमें चेक करना है क्वेश्चन नंबर 10 में कि कौन सा नंबर हमारा equivalent है और कौन सा नहीं है। तो देखिए मेरे पास -9/15 एंड इसमें एक given है -3/5। ठीक है, ये गिवन है ऐसे, तो चेक कीजिए, देखिए कौन सा इक्विवेलेंट है कौन सा नहीं है। तो अगर ये -3 है, -3 के प्लेस पे यहाँ न्यूमरेटर में क्या है -9। सो ऐसा हम क्या करें, -3 में ये -9 बन जाए, हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसमें -3 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -9 बन जाएगा, अगर हम न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 × 3 और वी गेट 15। तो देखिए यही आ रहा है, न्यूमरेटर में 15 आ रहा है और सॉरी न्यूमरेटर में आ रहा है हमारा -9 और डिनोमिनेटर में आ रहा है 15। ठीक है, दैट मीन्स ये एक सेकेंड जो रेशनल नंबर ये किसी का इक्विवेलेंट है, इसी का इक्विवेलेंट है। सो दिस इज इक्विवेलेंट, ये वाला रेशनल नंबर हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इसी तरीके से हम लोग अपना इक्विवेलेंट रेशनल नंबर चेक करेंगे इसमें। इज देयर एनी कंफ्यूजन टू एनीवन, किसी कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 भी अपना कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11, राइट एनी 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। तो हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखने हैं और कितने लिखने हैं, एनी 5। क्वेश्चन नंबर 11 में एनी 5 रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखने हैं। सो फर्स्ट इज -3/8। नाउ टेल मी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इसका पहला इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होगा, हु विल टेल मी, फर्स्ट टेल मी पुरुषोत्तम, पहले मुझे बताएंगे पुरुषोत्तम टेल मी फर्स्ट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे हम फाइंड करेंगे। यस पुरुषोत्तम, क्या करें हम लोग इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए, इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर से। पहले हम न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दें 2 से, है ना,
क्या करें, माइनस थ्री इंटू टू। सिमिलरली डिनोमिनेटर यस टू से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले में भी टू से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या माइनस थ्री इंटू टू क्या मिले, माइनस सिक्स अपॉन एट इंटू टू करेंगे तो क्या मिलेगा, एट टू सिक्सटीन, एट टू सिक्सटीन। नाउ नेक्स्ट प्रतिभा विल टेल मी अनदर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ माइनस थ्री अपॉन एट, माइनस थ्री अपॉन एट का अब नेक्स्ट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। पहले हमने टू से मल्टीप्लाई किया था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, अब किससे मल्टीप्लाई करें प्रतिभा, टेल मी माइनस थ्री अपॉन एट है, इसका हमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, हम लोग अब किससे मल्टीप्लाई करते हैं, किस नंबर से, टेल मी फास्ट, किससे। सपोज हम थ्री से मल्टीप्लाई करते, पहले हमने टू से मल्टीप्लाई किया था, हम थ्री से मल्टीप्लाई कर देने, माइनस थ्री इंटू थ्री, डिनोमिनेटर में भी हमें थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में देखिए एट है, हम क्या करेंगे एट इंटू थ्री, क्या करेंगे एट इंटू थ्री, सो व्हाट वी गेट, क्या मिलेगा हमें, माइनस थ्री इंटू थ्री, व्हाट इज द वैल्यू, वी हैव थ्री थ्री इज नाइन, वी हैव माइनस नाइन, एट इंटू थ्री व्हाट इज द वैल्यू, एट थ्री इज 24, तो माइनस नाइन अपॉन 24, ये हमारे पास ये नंबर ऑप्टेन हो जाए, ये सेकेंड रेशनल नंबर है, ये हमारा सेकेंड रेशनल नंबर है। नाउ अब है टेल मी थर्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ माइनस थ्री बाई एट, ये सब है सर, डायरेक्ट बता दें, नो नॉट डायरेक्ट, व्हाट वी डू, क्या करेंगे हम थर्ड मल्टीप्लाई, क्या करें हम माइनस थ्री में किससे मल्टीप्लाई कर दें, फोर से ठीक है ना, फोर से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी फोर से मल्टीप्लाई। नाउ टेल मी वैल्यू, माइनस थ्री इंटू फोर व्हाट वी गेट, माइनस थ्री इंटू फोर करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस ट्वेल्व एट इंटू फोर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, थर्टी टू। तो ये हमारा हो गया थर्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ओके 32 आएगा, ओके। नाउ टेल मी फोर्थ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ माइनस थ्री बाई एट, सर हम बताएं, यस सौम्या टेल मी सर, फाइव से, ठीक है, हम क्या दैट मीन्स हम क्या लिखें यहाँ पे, माइनस थ्री इंटू फाइव और डिनोमिनेटर में एट इंटू फाइव, ओके। नाउ टेल मी इट्स वैल्यू, माइनस थ्री इंटू फाइव, न्यूमिनेटर में क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस थ्री इंटू फाइव करेंगे तो माइनस फिफ्टीन, ओके। एंड इन डिनोमिनेटर एट इंटू फाइव व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस व्हाट वी गेट, 40, सो माइनस 15 अपॉन 40, दिस इज आवर फोर्थ रेशनल नंबर, फोर्थ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इज दैट क्लियर, यस सर, क्लियर सभी को, ठीक है, यस सर, ठीक है, तो यस सर, ये हमारा हो गया फोर्थ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। नाउ सिमिलरली इफ वी वांट टू फाइंड आवर फिफ्थ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, नाउ हु विल टेल मी दिस इट्स सॉल्यूशन, सर हम बताएं, सर हम सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, आप क्या करें सिक्स से मल्टीप्लाई करें, माइनस थ्री अपॉन सिक्स से मल्टीप्लाई, इसे हम कहते हैं सिक्स मल्टीप्लाई, तो माइनस थ्री इंटू सिक्स एंड इन डिनोमिनेटर एट इंटू सिक्स, नाउ टेल मी वैल्यू, सिक्स माइनस थ्री इंटू सिक्स व्हाट इज द वैल्यू, माइनस एटीन, नाउ अपॉन एट इंटू सिक्स
इन डिनोमिनेटर माइनस फोर्टी एट आएगा प्लस का, माइनस में कोई भी नहीं है नीचे, ठीक है। सो जो हमारे पास फिफ्थ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है वो क्या आया है, -18/48, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो yes, इसी तरीके से हम लोग ऐसे फाइव इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग टू से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, देन थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, देन फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे और देन सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी डिफरेंट अपना नंबर लेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी कैन फाइंड अ न्यू रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ये फाइंड हो जाएगा। दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्लियर है सभी को ये? ठीक है। सो शैल आई रेज दिस? यस सर। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 12? क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सर ए फाइंड करना है। यस, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और अगर ये दोनों रेशनल नंबर्स हमारे इक्विवेलेंट हैं तब, दोनों रेशनल नंबर हमारे इक्विवेलेंट हैं तब। सो सिंपल क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज 6/-7, और सेकंड रेशनल नंबर हमारा है 42/A। इज इट, ये हमारे क्या इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मींस इक्वल है, इक्विवेलेंट मींस इक्वल है, ठीक है। सो नाउ सी, नाउ सी, अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 6 ये किसमें कन्वर्ट हो गया है, 42 में इंक्रीज कर गया है ना। सो ये 6 42 बन गया है। कैसे 42 बनेगा ये, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बताइए। नाउ टेल मी, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, टेल मी किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 7 से। 6 को किस से मल्टीप्लाई करें, 7 से। दैट मींस यस, 6 में 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 42 आ रहा है। तो न्यूमरेटर में 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब डिनोमिनेटर में किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, सेवन से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। डिनोमिनेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स ए की वैल्यू क्या आ रही है, 7 - 7 - 7, ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए की वैल्यू क्या आ रही है, 49। यस, ए की वैल्यू क्या आ रही है, -7 - 7, कितनी वैल्यू आएगी, -49। यस, दिस इज द वैल्यू ऑफ -49। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसमें अपनी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 12 भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। नाउ सी, अब एक और इसमें पार्ट देखें, एक और पार्ट देखते हैं। सो देखिए, आई एम टेकिंग इट -A/36 एंड नेक्स्ट इज -16/9। ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, दीज टू नंबर्स आर इक्विवेलेंट, दीज नंबर्स आर इक्विवेलेंट एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सो नाउ टेल मी 9 बन गया 36, 9 हो गया 36, तो ये कैसे बन गया है, यस सर, या फिर हम ऐसे कह दें कि 36 9 बन गया, क्या किया गया है, हम ऐसे रिवर्स में देख रहे हैं, हम रिवर्स में देख रहे हैं, ठीक है। हम क्या करें, 9 को 36 बना रहे हैं, ठीक है। सो 9 ये 36 कब बनेगा, जब हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस 9 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिमिलरली इस -16 में हम किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो माइनस कर 64 आएगा, ठीक है, 64 आएगा, यस। तो हम क्या करेंगे इस -16 में मल्टीप्लाई करने 4 से, तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, माइनस कितनी वैल्यू आनी चाहिए,
दिस वैल्यू विल बी माइनस ए. ओके सो वी वर वॉचिंग हियर द वैल्यू ऑफ ए. ए की वैल्यू हमने कैसे किया था, माइनस 16 इंटू 4. 16 माइनस 16 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन व्हाट वी गेट, हमें वो माइनस ए की वैल्यू मिलेगी. वो क्या मिलेगी, माइनस ए की वैल्यू. ठीक, सो नाउ नाउ मल्टीप्लाई दिस माइनस 16 इंटू 4, व्हाट वी गेट, माइनस 16 इंटू 4, 16 4 जा 64, एंड वी विल गेट इट्स वैल्यू इन माइनस. हमें ये वैल्यू किसमें मिलेगी, माइनस में, माइनस 64. ये वैल्यू किसके, माइनस ए के. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ ए माइनस 64. देखिए देखिए, माइनस माइनस यहाँ पे भी है और माइनस यहाँ पे भी है, कैंसिल इट आउट, प्लस का आएगा, है ना. हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं ए को, मतलब इस माइनस ए के साथ में जो माइनस लगा है, इस माइनस प्लस को हम कैंसिल कर सकते हैं. तो व्हाट वी गेट, ए इक्वल टू 64, a equal to 64. Okay, so this is the value of a. A की value है 64. इस तरीके से हम लोग अपना question number 12 solve कर सकते हैं. ये लेके चले आए, लेकिन इसमें हवा हमें लग रहा है. Any confusion in this question? इसे कोई confusion? वहाँ तक छोड़ दो, फिर लाके गाड़ी खड़ी कर देना. Okay, सौम्या, प्रतिभा, पुष्पा, कितना देर लगेगा, दिशा, वहाँ तक छोड़ना तो है, बस आप चले आओ ना. अब भाई आदित्यराज, अगर कोई confusion है तो आप लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं. नो सर. ओके गुड. सो सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. 15 नंबर बता दीजिए, क्वेश्चन है ना अभी, क्वेश्चन नंबर 14. ये घंटा बाद तो फिर लेट हो जाएगा. ओके नाउ फर्स्ट टेल मी क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर. क्वेश्चन नंबर 13, अरे पहुंचने में तो आधा घंटा लग ही जाएगा. 13 में हमें क्या करना है, find the absolute value of the following. What we have to find? अरे तो आधा घंटा तो लग ही जाएगा, हम कह रहे हैं आधा घंटा 40 मिनट. Value. We have to find absolute value. हमें find करना absolute value. Okay, we have to find absolute value. Now, tell me what is absolute value? What is absolute value? Absolute value means that value which is positive. That value which is positive, yes. And it shows a distance from zero. क्या बोला हमने, ये एक distance को show करती है और ये value positive में होती है. Clear? Suppose I'm taking here minus 6. So what is the absolute value of minus 6? इस minus, देखिए absolute value के लिए हम ये ऐसे use करते हैं, mod के form में, ऐसे mod के form में use करते हैं. ये. Yes sir. ठीक है ना, ये एब्सोल्यूट वैल्यू, हमने क्या लिखा है, ए पी एस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 6 कितनी आ गई, ये मॉड में लिख देंगे माइनस 6. तो मॉड्स में लिखने का मीनिंग ये होता है नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू हमारी प्लस में हो जाती है. किस में जाती है, प्लस में. इज दैट क्लियर. सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 6 इज प्लस 6. इज दैट क्लियर. माइनस 2 बाई 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, हम ऐसे मॉड यूज करेंगे, दिस इज द माइनस 2 अपॉन मॉड यूज करेंगे इन साइड मॉड, देन क्या वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्या आएगी, 2 अपॉन 3, 2 बाई 3 पॉजिटिव, सो प्लस 2 अपॉन 3, यस प्लस 2 बाई 3, या फिर हम उस प्लस को यूज करें या ना करें, ये हिडन होता है प्लस, सो वी कैन से दैट 2 बाई 3 वैल्यू कितनी आ गई, 2 बाई 3. ठीक है, 2 बाई 3. तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 इसी तरीके से सॉल्व होगा. नाउ सी इन योर बुक, अपनी बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और उसमें क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. Suppose if I am taking, if I am taking question number 13. So first is minus 7 upon 6. First is minus 7 upon 6. So we have to find absolute value of minus 7 upon 6. ठीक है, हम क्या करेंगे, अपना एक modulus use करेंगे minus 7 upon 6. So its value is, इसकी value क्या हो जाएगी, plus में 7 upon 6. ठीक है, जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी वो सभी प्लस हो जाएंगे. दिस इज आवर एब्सोल्यूट वैल्यू. इज दैट क्लियर.
ओके यस सर ओके नाउ टेल मी एवरीवन टेल मी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 11 अपॉन माइनस 17 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 11 अपॉन माइनस 17 क्या वैल्यू आएगी सर 11 अपॉन 17 सर 11 अपॉन माइनस 17 11 अपॉन 17 टेल मी 11 अपॉन माइनस 17 या फिर 11 अपॉन 17 11 अपॉन 17 ठीक है अभी हमने बताया था कि जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज रहेंगी वो सभी पॉजिटिव में पॉजिटिव बन जाएंगी ठीक है तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव बन जाएगा डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव बन जाएगा सो दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ये क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू है क्लियर एब्सोल्यूट वैल्यू यस सर सो इस तरीके से हम लोग अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ठीक है इज देयर एनी कंफ्यूजन टू एनीवन से कोई कंफ्यूजन कोई कंफ्यूजन तो हमें उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अच्छे